छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में स्कूलों का जीर्णोद्धार करने के लिए स्कूल जतन योजना लाया था। इस योजना के तहत जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत फरसा टोली के पूर्व माध्यमिक स्कूल का काम आरईएस विभाग ने कराया था। जीर्णोद्धार के लिए इस स्कूल को 4,34,000 रुपए दिए गए थे। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की देखरेख में ठेकेदार ने स्कूल का मरम्मत कराया, लेकिन ये काम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। स्कूल के प्रधान पाठक ने बताया कि इस स्कूल में पहले छत पर एस्बेस्टर की शीट के ऊपर मिट्टी का खपरेल लगाया गया था। स्कूल जतन योजना में ठेकेदार ने स्कूल के छत पर टीन का शेड लगा दिया, जो पहली बरसात के आंधी तूफान में ही उड़ गया। इससे स्कूल किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा है। मीडिया के जरिए छात्र छात्राएं अच्छी शिक्षा पाने के लिए नए स्कूल भवन निर्माण की मांग कर रही है। बच्चों ने बताया कि अतिरिक्त कक्षा में बैठकर पढ़ते टाइम तेज बारिश होने पर मुसीबत और बढ़ जाती है। छत से पानी की बूंदें टपकने लगती है और छत के ढहने का भी डर बना रहता है। उस साल बना था, फिर आधी तूफान के कारण इस साल उड़ा के पीछे एल्बेस्टर लगा हुआ था, वो उड़ा के चला गया पीछे, तो हम लोग को बैठने वाली सुविधा नहीं है। अभी कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? कौन से कक्षा पढ़ते हैं? कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं? प्राइमरी का एक जगह है, वहीं हम लोग पढ़ते हैं। असंकुल है, एक तो उसी में पढ़ते हैं, जो पानी सब से होता है, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? नया स्कूल चाहते हैं। गर्मी अच्छा, ये स्कूल अच्छा हुआ था, सुधार हुआ था, लेकिन फिर बारिश में वो अल्बेस्टर उड़ा गया और उधर सब दीवार सब टूट गया। फिर हम लोग एक अतिरिक्त कक्षा में बैठते हैं, वो उधर की हालत भी अच्छी नहीं है, पानी टपकता है कमरे में अंदर में। पढ़ते रहते हैं तो बारिश के दिन पानी टपकती है। हाँ जी, कितना दिक्कत होता है लोगों को? बहुत दिक्कत होता है। क्या चाहते हैं लोग अभी? नया स्कूल, बहुत परेशान है, अच्छे से बैठने भी नहीं बनता है। हम लोग स्कूल को तूफान और बारिश की वजह से टूट गया था और हम लोग बहुत परेशान हैं। वो अतिरिक्त कक्ष में बैठ के पढ़ते हैं और पानी भी टपक रहा है, बहुत परेशानी में है, और कमरे में पढ़ने में कितना दिक्कत होता है आप लोग? बहुत दिक्कत होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों को नया क्लास मिल जाए। नए स्कूल चाहते? हाँ, ये जैसा कि आप पूछे पहले क्या था, इसकी स्थिति ये थी कि छत जो है मरम्मत करने योग्य हो गया था, पानी टपकता था। उसके बाद नवाजतन, मुख्यमंत्री नवाजतन कार्यक्रम के तहत इसका जीर्णोद्धार के लिए, सुधार कार्य के लिए, छत मरम्मत और खिड़की दरवाजा मरम्मत के लिए स्वीकृत हुआ था। कुछ लागत राशि के हिसाब से वो 3.4 ऐसा कुछ था। इतना मरम्मत हो पाया लगभग पिछले सत्र में नवंबर दिसंबर के आसपास ये पूरा हुआ। बच्चे बैठ रहे थे, लेकिन इस सत्र के शुरुआत से पहले जून महीने में जो आंधी तूफान आई, शुरुआती जो मौसम बारिश होती है, उसमें ये छत पूरी तरह उड़ गया। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि बच्चे बैठने के लिए दिक्कत हो रहा है। कक्षा कक्षा हमारा मेन तो यही था। अभी फिलहाल वैकल्पिक कक्षों का व्यवस्था करके हम लोग अपना अध्ययन कार्य पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पंचायत की तरफ से भी कुछ मदद मिल रही है, लेकिन ये अभी की स्थिति में ना बच्चों के बैठने की व्यवस्था उत्तम नहीं हो पा रही है। कारण ये है कि बरसात का मौसम है, कहीं पर जो वैकल्पिक कक्ष है और हमारा अतिरिक्त कक्ष है, कहीं कहीं पानी टपक रहा है, पुराने बिल्डिंग है जिसके कारण दिक्कत हो रही है। अभी की स्थिति में वैकल्पिक कक्ष भी दूर हो जा रहा है, जिसके कारण हमको तालमेल बैठाना बच्चों में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। यहाँ से वहाँ पीरियड के में हिसाब से दिक्कत हो जा रहा है। अभी देखा जाए छत मरम्मत और खिड़की दरवाजा मरम्मत। छत मरम्मत में पहले शीट का था, उसके ऊपर खपरेल लदा हुआ था, जिसमें थोड़ा ठंडक था, लेकिन अभी जो टिन का लग गया ना, वो उसमें एक तो बरसात में आवाजें आती थी, उसके ऊपर से गर्मी इतना बढ़ जाता था, तुरंत गर्म हो जाता था, तो बच्चों को एकदम गर्मी का सामना करना पड़ता था। बच्चों के साथ साथ